बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। तो हम आयत को लेकर आज आए हैं CMH में चेकअप करवाने के लिए। मैंने आपको बताया नहीं कि हमने आज ब्लॉग जो है ना वो 11 बजे स्टार्ट किया है। तो आयत को चेकअप करवाना इसलिए लेकर आए हैं, लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि आयत की हम मेडिसिन लेकर आए थे, लेकिन उस दवाई से आयत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो सोचा सेकेंड डॉक्टर का ओपिनियन ले लेते हैं कि वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं, क्या डायग्नोज होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक से आयत को फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे इसकी तबीयत और खांसी थी ना, अच्छा तबीयत कुछ बेहतर थी लेकिन खांसी को बिल्कुल फ़र्क नहीं था, खा कुछ रही नहीं थी। तो सोचा चलें सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। हम लोगों ने दवाइयाँ ले ली हैं सारी, आयत खौफ मेडिसिन, और आयत के कुछ टेस्ट जो हैं उन्होंने वो डायग्नोज किए हैं। आयत का मसला काफ़ी ख़राब है, तो मेरा शुक्र है कि चेस्ट क्लियर हो गई है। और आयत के 2-3 टेस्ट हैं, आप दुआ कीजिएगा कि आयत के टेस्ट क्लियर आएँ, क्योंकि आयत खा कुछ नहीं रही और देखें कितनी वीक हो गई है। और वो रहे डॉक्टर साहब हमारे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये, और काफ़ी फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ, बहुत पोलाइटली और बहुत हम्बल तरीके से उन्होंने बात की। और ये रहा जी हमारा CMH, हम आयत चेक करवाने के लिए, क्योंकि उन डॉक्टर की मेडिसिन से हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था आयत की तबीयत में। तो हम लोग अब आए हैं यहाँ पर CMH में, तो चलें चाय शाय पीते हैं और फिर चलते हैं आज के टेस्ट करवाते हैं। आज ही करवा लेंगे, कल करवाए आए थे आपके टेस्ट आज ही। मीनवाइल मेरा जूता भी टूट गया, ये देखें। आज छाँव में आओ बेटा, चलने अंदर चलते हैं, डॉक्टर साहब हमें चाय पिलाने लगे हैं, चाय पीते हैं उसके बाद टेस्ट करवाते हैं आज के। आप भी चाय पी लो, आज बता दिया होगा कि मतलब मेरे गेस्ट हैं तो मैंने टीवी करा है। नहीं तो ये भी टीवी के लिए मिलनी थी जुम्मे के बाद 1:30 बजे, और हमारी हर महीने की 1 in 3 कॉल है। 1 in 3 का मतलब है कि हर 3 महीने के 12 से 14 घंटे के लिए रुक जाए। मीन वाइल अम्मा आ गई हैं आनिया को लेकर स्कूल से, तो उन्हें भी चाय इन्जॉय करवाते हैं। मैं देखूँगी कि पार्किंग कहाँ पर है और किधर गाड़ी खड़ी है, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। चले आप लोग मेरे साथ साथ व्यूज़ इन्जॉय करें, और मैं छुप के बना रही हूँ ताकि किसी को पता ना चले, ये ना हो कि कहीं मुझे पकड़ के अंदर ही कर दें। ये माँ आ गई हैं, वो सामने गाड़ी लगा रही हैं, अब इनको लेके चलते हैं। ये OPD ब्लॉक है यहाँ पे। जब मेरी शादी नहीं थी ना, तब अम्मा का ऑपरेशन हुआ था यहाँ पर, और मैंने हॉस्पिटल को बहुत इन्जॉय किया था। लेकिन नोना भी आ गया भागता हुआ। आपको भी चेक करवाएं, इंजेक्शन लगवाएं आपको? नहीं। चलो आओ चाय पिए चल के, आनो आज के लिए तो जूस आया है। जी हम आयत के टेस्ट करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमने कल व्हाट्सएप करनी है, और आयत माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड है। आ जाओ चले जल्दी चलते हैं, IDC में आए हम टेस्ट करवाने के लिए। आयत आनी आ गया, आगे आओ आगे। उधर तो यहाँ जी आयत को ले गए हैं एक्सरे करवाने के लिए, और हम लोग वेट कर रहे हैं मैं और आनु, और इसके बाद सारे टेस्ट यहाँ पर होंगे इस सामने। तो उसके बाद चलें जी, कल तक हमें रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप दुआ कीजिएगा कि सारी रिपोर्ट्स क्लियर आए, क्योंकि बेसिक जो उसका मेडिसिन है ना, उसके बाद टेस्ट के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे और दुआ करेंगे कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। करवाने डर तो नहीं रही? मेरे पास है मास्टर, आप इधर देखो मेरी तरफ, कुछ भी नहीं होता।
हाँ जी, तो यहाँ आयत ने बड़ी बहादुरी से माशाल्लाह अपना ब्लड टेस्ट दे दिया बगैर रोए हुए, तो बहुत बहादुर आयत। मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं देख सकूँ और अपना भी ब्लड टेस्ट मतलब दे सकूँ, और आयत ने बगैर रोए हुए जो ना बड़ी बहादुरी के साथ ये काम किया माशाल्लाह से। फाइनली यहाँ पे सारे टेस्ट हो गए हैं, कल हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। आयत आगे आ जाओ, अब घर चलते हैं, आयत तो कुछ खाने को देंगे क्योंकि आयत ने नाश्ता भी नहीं सही तरीके से किया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।